अस्सलाम वालेकुम, आई एम मनीष फातिमा। वेलकम टू द मेडिक्स फ्लिप पॉइंट। इस प्लेटफॉर्म पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपकी कन्वीनियंस के लिए कंसेप्चुअल और ट्रिकी वीडियोस बनाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी आपको इस तरह के बहुत ही बेनिफिशियल से वीडियोस मिलते रहें, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक मेडिक्स फ्लिप पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये जो चैप्टर है हमारा लाइक केमिकल बॉन्डिंग, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक इसमें डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वगैरह, इस तरह के जितने भी सारे पैरामीटर्स हैं, इनके डिफरेंट ट्रेंड्स हैं इन द ग्रुप्स एंड द पीरियड्स। तो हमें ना समटाइम्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि इनके जो है पीरियड में इंक्रीज़ हो रहा है, कौन कहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए ना बड़ा ही हमने सुपर ट्रिक, हम इसको कह सकते हैं, ये एक बनाया है। इसके ज़रिए आप लोग इससे बहुत ही इजीली, बहुत ही कन्वीनियंटली, आसानी से आप लोग मेमोराइज़ कर सकते हैं। बस आपको इसको मेमोराइज़ कर लेना, तो आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ग्रुप में क्या ट्रेंड है उसका और पीरियड में क्या ट्रेंड है। तो आपने करना क्या है, इस तरह करके आपने एक बॉक्स बना लेना है। बस ऊपर आपने लिखना है ग्रुप्स एंड पीरियड्स, यहाँ पर भी लिखना है ग्रुप्स एंड पीरियड्स, और ऊपर आपने क्या लिख देना है इंक्रीज़ इंक्रीज़, और नीचे आपने क्या लिख देना है डिक्रीज़ डिक्रीज़। सही हो गया। और यहाँ पर फर्स्ट में आपने लिखना है AMS, A फॉर अटोमिक रेडियाई मेटेलिक कैरेक्टर एंड S फॉर द शील्डिंग इफेक्ट। और यहाँ पे पीरियड्स में आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द न्यूक्लियर चार्ज। बस क्या करना है, इनको इसको यहाँ पे लिख देना है और इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, इनको आपने लाइक क्रॉस कर देना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे जो S से यहाँ पे आया था इसको क्या हो गया एस, ये शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा इन द ग्रुप्स इन द पीरियड। लाइक जैसे यहाँ पे ये जो तीनों एटॉमिक रेडिया आए और जो मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहे थे, पीरियड में क्या होंगे डिक्रीज हो रहे हैं, वेरी सिंपल। इसी तरह ये जो हैं चारों यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं इन द पीरियड्स, तो ग्रुप में क्या होंगे ये डिक्रीज होंगे। अब इनका हम आपस में थोड़ा सा ना रिलेशनशिप देख लेते हैं कैसा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियाई। इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियाई जितना कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। सेम लाइक दैट शील्डिंग इफेक्ट जितना क्या होगा कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। और न्यूक्लियर चार्ज की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी। ये तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए फाइंड आउट किया। अब बाकियों के लिए भी हम इस तरह कर सकते हैं, लाइक ये जो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ वाले बाकी तीन, इनको हम आयनाइजेशन एनर्जी की जगह अगर पुट करेंगे और एटॉमिक रेडियाई, मेटालिक कैरेक्टर एंड द जो शील्डिंग इफेक्ट है वो अगर उसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें सबके लिए डिफरेंट रिलेशंस पता चल जाएंगे इनके आपस में। अगर हमें कोई भी MCQs पूछा जाता है तो हम बता सकते हैं कि किस एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर के साथ क्या रिलेशन है और उसका क्या इफेक्ट होगा उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज करने पर। नेक्स्ट कम टूवर्ड्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कोई भी दो आइटम्स के दरमियान जब भी पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। जो पहला बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे ना वो सारे पाई बॉन्ड्स होंगे। इसी से हम लोग बात याद रख लेते हैं कि जिस तरह इस डायग्राम में शो किया है, पहला बॉन्ड क्या है जी, सिग्मा बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड क्या है, बिटवीन द न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करेगी, जबकि जो हमारा पाई बॉन्ड है ये इसके अबव एंड बिलो यहाँ पर शो भी हो रहा है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो भी अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि हमने आगे जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन में फार्मूला सप्लाई करने हैं और जो ट्रिक्स हमने लगाने हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, फार्मूला है, मेथड है, व्हाटएवर यू कैन से। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड एंगल, ये हम बड़ा ही ईजिली किसी भी अपना रिक्वायर्ड स्पीशी का जो उन्होंने पूछा होगा बड़ा ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका नाम है स्टेरिक नंबर मेथड से हमने एक नंबर बस फाइंड आउट करना है और क्या होगा फिर हम उसको टेबल हमने एक बनाया होगा उसमें हम बड़ा ही आसानी से देख लेंगे कि कंपेयर कर लेंगे आप उसमें कि इसका क्या है, ज्योमेट्री क्या है, एंगल क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फॉर द मोनोवेलेंट स्पीशीज़ जो मैं करती हूँ ट्रिक्यूज वो तो बड़े सिंपल है, लाइक इसका BF3 का फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा हुआ है, उसके बस यहाँ पे हमने तीन एटम्स बनाए और जितने इसके सेंट्रल एटम को निकाल के लाइक साइड एटम्स जितने भी हैं 3 है तो उससे एक नंबर कम करके क्या होगा, जिससे 3 है तो क्या होगा इसकी sp2 पी क्यूब, उससे क्या एक नंबर कम वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला भी है, लेकिन मे बी यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स में हमने ऐड कर देने हैं नंबर ऑफ लॉन पेयर्स,
लाइक हम देख सकते हैं BF3, तो ये भी एक आपने बात याद रखनी है कि इसकी साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे ना टर्मिनल पे, वो क्या होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे. सो वी डोंट हैव टू बॉर्डर टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स. बस यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा 3 जस्ट फॉर एग्जांपल, यही सिग्मा बॉन्ड्स हैं. लोन पेयर इसमें कोई है नहीं, तो इसका क्या होगा, ये इसका स्टेरिक नंबर क्या आ गया इसका 3. पहले हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर द इलेक्ट्रोवैलेंट स्पीशीज. आफ्टर दैट हम इनको टेबल में इनकी हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं कि रिस्पेक्टिव ज्योमेट्रीज एंड एंगल्स एज वेल. तो ये तो हो गया मोनोवेलेंट के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोवेलेंट के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना होगा. उसमें क्या करना है, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट एटम्स प्लस आयनिक चार्ज, बस जो है कैटायनिक चार्ज, बस हमने इस तरह करना है वैल्यूज पुट. और हमारे पास वेरी सिंपली हमारा स्टेरिक नंबर आ जाएगा, हमें उससे सारा हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंगल्स पता लग जाएंगे. एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं SO42 नेगेटिव, इसमें क्या है जी 1/2 राइट किया हमने, 6 क्या है जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके सेंट्रल एटम के, मोनोवेलेंट एटम इसमें है नहीं, कैटायनिक चार्ज इसमें कितना है 2, और एनायनिक चार्ज 2 है और कैटायनिक चार्ज इसमें नहीं है. इसको हम सारा करेंगे सॉल्व और हमारे पास आंसर आएगा 4. अब हमारे पास जो भी आंसर आया था, जैसे कि यहाँ पे आया था 3 और यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 4, इसको हम यहाँ पे इस टेबल में हम 3 के लिए पहले देख लेते हैं. लाइक 3 के लिए तो इसकी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, उन्होंने हमसे पूछी तो हम बता देंगे सिंपली इट्स sp2. अगर उन्होंने हमसे उसकी पूछी है ज्योमेट्री, दैट इज़ ट्राइगोनल प्लानर, सही हो गया, और इसका एंगल है 120 डिग्रीज. इसी तरह ये पूरा टेबल है, ये 2, 3, 4 इस तरह करके जो भी हमारे पास स्टेरिक नंबर आएगा उसके रिस्पेक्टिव हम बड़ा इजीली टेबल के ज़रिए बता सकते हैं इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इसके क्या ज्योमेट्री है, इसके क्या जो एंगल्स हैं. यहाँ पे एक आ जाता है थोड़ा सा ट्विस्ट, लाइक इन केस ऑफ द SP2 एंड SP3. SP2 में क्या होगा, वैसे अगर ट्राइगोनल है और इसका एंगल 120 डिग्रीज है जब 0 लोन पे, लेकिन इसमें 1 लोन पे आ जाता है तो इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री बेंट हो जाएगी और एंगल लेस देन 120 डिग्रीज हो जाएगा. इसी तरह जो SP3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें अगर 1 लोन पेयर आ जाता है तो इसमें क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी हो जाएगी ज्योमेट्री, और 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, और एंगल दोनों में ही क्या होगा, लेस देन 109.5 डिग्रीज हो जाएगा. दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.